Hello friends, this is Abhimanyu and you are watching your favorite gardening channel, Gardening Tricks. Friends, today I will show you how to grow Adenium from seeds. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप कैसे Adenium को seed से grow कर सकते हैं. I have purchased 4 species with 11 varieties. They are Arabicum, Socotranum, Siam and Somalensi. दोस्तों मैं 11 वैरायटी का सीड खरीदा हूं जिसका 4 स्पीशीज है मेनली वो है अरबिकम सुकोट्रेनम सीएम एंड सोमालेंसी. द सीड्स आर थिक एंड या इट्स वेरी गुड इन क्वालिटी. नाउ आई विल जर्मिनेट देम इन द ट्रे. दोस्तों ये जो सीड्स है ये अच्छा है, वेरी मोटे है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. तो आप मैं इसको इस ट्रे में जर्मिनेट करूंगा. आई हैव परचेस्ड मेनली अरबिकम एंड सोकोट्रम, सो लेट्स सी हाउ टू जर्मिनेट देम. दोस्तों मैं मेनली अरबिकम और सोकोट्रम परचेस किया हूं, तो चलिए देखते कैसे इसको जर्मिनेट कर सकते हैं हम. फ्रेंड्स, आई विल ट्राई टू जर्मिनेट देम इन दिस ट्रे. हियर यू कैन सी डिफरेंट वैराइटीज नेम. आई विल प्लेस द सीड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेम. दोस्तों मैं इस जो प्लास्टिक का जो कंटेनर से जो ट्रेज है इसमें Adenium को जर्मिनेट करूंगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नेम है Adenium का, तो मैं इस अकॉर्डिंगली नेम के ऊपर हिसाब से मैं इस सीड्स को यहाँ पर रखूंगा जर्मिनेट के लिए. दिस ट्रे इज मेनली फॉर अरबिकम्स एंड रेस्ट टू आर फॉर सोमालेंसिस सीएम एंड सोकोट्रेनम. ये जो ट्रे मेनली अरबिकम के लिए है और जो बाकी जो दो ट्रे है वो सोकोट्रेनम सीएम और सोमालेंसी के लिए है. आई विल ट्राई टू जर्मिनेट द सीड्स ऑन दिस टिश्यू पेपर, सो आई हैव टू प्लेस अ नंबर ऑफ टिश्यू पेपर्स एट द बॉटम. दोस्तों मैं टिश्यू पेपर के ऊपर जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो कोशिश करूंगा जर्मिनेट करने के लिए, तो इसलिए पहले मुझे कई सारे टिश्यू पेपर ट्रे के नीचे जो एरिया है उस नीच का एरिया में बिछाना पड़ेगा. टिश्यू पेपर कैन होल्ड द मॉइस्चर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन. ये जो टिश्यू पेपर है वो मॉइस्चर को होल्ड कर रख सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जर्मिनेशन के लिए जरूरी है. नाउ आई विल एड सम लिक्विड सैफ टू प्रिवेंट द सीड्स फ्रॉम फंगल अटैक. दोस्तों मैं अब जो लिक्विड सैफ है वो इस पे डालूंगा ताकि जो सीड्स है वो फंगल अटैक से बच सकते हैं. नाउ आई एम प्लेसिंग द सीड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेम टू आइडेंटिफाई देम लेटर. अब मैं जो सीड्स है वो इसके नाम के हिसाब से यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि बाद में मुझे इसको पहचानने में सुविधा हो सके. All seeds are placed correctly. Now I have to cover them with another tissue paper. It will help to moist them evenly from sides. अब मुझे और एक टिश्यू पेपर से जो सीड्स इसको कवर करना पड़ेगा. ये इसको सीड्स को सभी दिक से इको इवेनली मॉइस्ट रखने के लिए इसको हेल्प करेगा ये. Now I will cover these containers. It will help to hold the moisture and temperature, which is very essential for the germination process. दोस्तों मैं अब ये जो कंटेनर्स है इसको मैं कवर कर दूंगा, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर और जो टेम्परेचर आएगा इस कंटेनर के अंदर वो जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए बहुत लाभदायी होता है. माई वर्क इज डन. नाउ आई विल keep it in a shaded area. The germination will normally start within a week. Till then, I have to wait to see the result. दोस्तों मेरा काम हो गया है, अब मैं इसको शेडेड एरिया में रखना पड़ेगा. तो germination करीब एक week के अंदर हो जाता है, तो उस टाइम तक मुझे वेट करना पड़ेगा. Friends, 6 days has been passed. Now I will open the box to see the condition of the germination. दोस्तों 6 दिन बीत चुका है, अभी मैं इस जो बॉक्स है इसको ओपन करके जर्मिनेशन का क्या कंडीशन है वो मैं देख रहा हूँ. नाउ आई एम रिमूविंग द टिश्यू पेपर टू सी माय बेबी Adeniums. आई हैव टू डू दिस वेरी केयरफुली सो दैट नो सीडलिंग्स विल डैमेज. दोस्तों मैं बहुत सावधानी से ये जो टिश्यू पेपर है उसको हटा रहा हूँ ताकि मेरा कोई Adenium उसका जो सीडलिंग है वो डैमेज ना हो.
You can see two seeds out of 15 are not germinated, so I have to check them. दोस्तों यहाँ पर दो सीड 15 सीड के अंदर दो सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है, तो मुझे अब इसको चेक करना पड़ेगा. द कंडीशन ऑफ द सीड इज ओके, दो इट इज नॉट जर्मिनेटेड टिल नाउ. यू कैन सी क्लियरली द ओपनिंग्स वेयर द जर्मिनेशन विल टेक प्लेस. दोस्तों जो ये सीड नहीं अभी तक जर्मिनेटेड हुआ, फिर भी आप इसका जो ओपनिंग है जहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होगा वो आप देख सकते हैं, तो ये सीड ओके है. द सेकेंड वन इज ऑल्सो ओके, इट वॉज अ चांस टू जर्मिनेट. दोस्तों जो दूसरा वाला जो सीड है वो भी ओके है, तो इससे भी जर्मिनेशन हो सकता है. फ्रेंड्स नाउ आई विल शो बोथ जर्मिनेटेड एंड नॉन जर्मिनेटेड सीड्स टू इट्स न्यू मीडिया वेट दे कैन स्टार्ट देयर इनिशियल ग्रोथ. सो लेट्स प्रिपेयर इट्स मीडिया. दोस्तों मैं अभी सभी जो सीड्स है उसको इसका जो नए मीडिया है उसमें ट्रांसफर करूंगा, तो चलिए इसका मीडिया तैयार करते हैं. टू प्रिपेयर इट्स मीडिया यू हैव टू टेक मेनली कोकोपीट अलोंग विद सम वर्मीकंपोस्ट केक एंड बोंडास एंड देन मिक्स इट वेरी वेल. ये मीडिया तैयार करने के लिए आपको मेनली कोकोपीट लेना पड़ेगा, उसके साथ थोड़े वर्मीकंपोस्ट नीम केक और बोंडास सबको लेकर अच्छे से इसको मिलाना पड़ेगा. These ingredients will give them the proper nutrition and neem cake will also act as a bioinsecticide. ये जो सारी चीजें इसको proper nutrition देगा और neem cake nutrition के साथ साथ bioinsecticide हिसाब से भी काम करता है. Now I have to mix it very well with safe water. Safe is a well-known fungicide easily available in the market. As it is a byproduct and will be moist all the time, so it has a high chance to be affected by fungus. So this step is very important. अब मैं ये जो मिक्सर है इसको सैप वाटर से मिक्स करूंगा अच्छे से, क्योंकि सैप एक बहुत वेल नोन फंगिसाइड है जो मार्केट में अवेलेबल है, और ये जो मिक्सचर है ये बायो प्रोडक्ट होने से और ये हमेशा मॉइस्ट रहने से इसमें फंगल अटैक का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ आई हैव टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर बाय स्क्वीजिंग इट, देन आई विल पुट द सीडिंग्स इन दिस मीडिया. द मेन रीजन टू डू दैट द एक्स्ट्रा वाटर कैन डैमेज द सीडलिंग्स, सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द मिनिमम मॉइस्चर व्हिच इज नीडेड फॉर द सीडलिंग्स. दोस्तों जो एक्सेस वाटर है मैं उसको अब निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें जो सीडलिंग से उसको लगाऊंगा. ये करने का जो मेन जो रीजन होता है वो है कि जो एक्स्ट्रा वाटर जो सीडलिंग जो है वो उसको डैमेज कर सकता है, तो इसलिए जो सीडलिंग्स के लिए मिनिमम मॉइस्चर लेवल होता है उसे मुझे मेंटेन करना पड़ेगा. नाउ आई एम एडिंग सम परलाइट then in this media, then I will sow the seeds. अभी मैं कुछ perlite इसमें add कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें जो seedling से उसको बिठाऊंगा. Perlite works for better water irrigation. Water irrigation के लिए perlite बहुत अच्छा काम करता है. Now I will place each seedlings in this plastic cup. Here you can see many holes at the bottom to drain out the excess water. दोस्तों मैं अब इस प्लास्टिक कप में जो सीडलिंग से उसको रखूंगा, प्लेस करूंगा एक सीडलिंग्स को, और यहाँ पर जो बहुत से छेद है वो वाटर ड्रेनेज के लिए काम करेगा. At first I will fill the bottom with a thin layer of sand. It will help for better drainage. The holes will not block by the cocopeat. मैं इसका एकदम नीचे एक बालू का पतला सा लेयर लूंगा, और इसके ये मेनली काम करेगा एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, और कोकोपीट से भी जो होल्स है वो ब्लॉक नहीं होगा. नाउ आई हैव टू फिल दिस कप विद दिस मिक्सचर एंड आई हैव टू प्रेस दिस मिक्सचर सो दैट नो एयर पॉकेट विल बी देयर. तो मैं अब ये जो मिक्सचर से इस कप को भर रहा हूँ और इसे प्रेस करना पड़ेगा कि कोई भी एयर पॉकेट इस कप के अंदर ना रहे. Now I'm going to sow a seedling. First I have to dig it a little and then I will place a seedling very carefully so that no root will damage. After that I will press the surrounding media
विद अ सॉफ्ट हैंड। दोस्तों मैं अब एक सीडलिंग इसमें बैठाने जा रहा हूँ और पहले मुझे एक छोटा सा छेद कर लेना पड़ेगा और इसके बाद इसको बहुत सावधानी से बिठाना पड़ेगा ताकि कोई रूट डैमेज ना हो, और उसके बाद जो सराउंडिंग जो मीडिया है उससे मुझे बहुत हल्के से प्रेस करना पड़ेगा। नाउ आई विल प्लेस इट इन अ शेडेड एरिया एंड ऑल्सो आई हैव टू मेंटेन इट्स मॉइस्चर लेवल, सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। दोस्तों आप मुझे इसे एक शेडेड एरिया में रखना पड़ेगा और इसका जो मॉइस्चर लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। फ्रेंड्स हियर यू आर वॉचिंग द रिजल्ट आफ्टर 20 डेज। आई सोड 55 सीड्स फ्रॉम वेयर 50 सीड्स आर जर्मिनेटेड, सो द रेट ऑफ द जर्मिनेशन इज 90% विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। Now I have to wait till they mature a little, then I will place them in their actual media. दोस्तों 20 दिन बीत चुका है और आप इसका जो germination जो है आप देख रहे हैं बहुत अच्छा germination हुआ है। मैं 55 seeds यहाँ पर दिया था तो उसमें से 50 seeds generated already हो चुका है, तो rate of the germination आपका वो 90% है जो बहुत impressive है। तो मुझे और भी थोड़ा दिन यहाँ पर वेट करना पड़ेगा ताकि जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाए तो मैं इसका जो एक्चुअल मीडिया है तब उसमें रिप्लेस करूंगा। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक ऑप्शन एंड शेयर इट टू द अदर्स, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट to get more video like this and press on the bell icon and select the all option to get all my notification of my upcoming videos. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नया है इस चैनल पे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस किया और वहां से ऑल जो ऑप्शन है उसको चूज करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको वो मिल जाए। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।